तो आज हम बनाने वाले हैं दही तड़का की रेसिपी। अगर घर पर कोई सब्जी ना है और समझ में ना आए क्या खाएं तो एक बार इस सब्जी को जरूर ट्राई करें। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं मजेदार सी सब्जी की रेसिपी को। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधा किलो दही को लिया है, चाहे तो आप बाजार वाला भी यूज कर सकते हैं। तो उसे इस तरह से फेंट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे हल्का सा फेंट लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक पैन को गैस पर रखा है, उसमें एक बड़ा चम्मच सरसों के तेल को यूज किया है। सरसों के तेल में सब्जी ज्यादा अच्छी बनती है। उसे अच्छे से गर्म होने देंगे। जब सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच ही राई को डाल देंगे। तो दोनों चीज़ें जब अच्छे से चटक जाएं तो उसके बाद एक पिंच हींग को डाल देंगे। हींग डालने के बाद दो हरी मिर्च काट कर डाल देंगे। 7 से 8 कड़ी पत्ता को डाल देंगे और एक बार अच्छे से चला लेंगे। जब सब चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी तो 2 लाल सूखी मिर्च डाल देंगे, उसे भी एक बार चला लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक बड़ा प्याज जिसे रफली चॉप कर लिया था उसे भी इसमें ऐड कर देंगे और उसे भून लेंगे। तो हल्का सा ब्राउन कलर आने तक हमें भूनना है इसे, ज़्यादा नहीं पकाना। तो थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो चुका है, अब यहाँ पर टमाटर डाल देंगे। तो एक छोटा टमाटर जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया था उसे भी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए टमाटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। आधा चम्मच देगी मिर्च को डालेंगे और आधा चम्मच ही हल्दी पाउडर को डाला है। उसके बाद 1/4 चम्मच सूखा धनिया डाला है, थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। सबको एक बार फिर से अच्छे से चला लेंगे। जब सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी उसके बाद इसे ढककर पकने देंगे ताकि प्याज टमाटर अच्छे से पक जाएं। थोड़ी देर बाद ढक्कन रख के चेक कर लेते हैं। तो देखिए प्याज और टमाटर हैं अच्छे से पक चुके हैं और टमाटर भी हमारे अच्छे से मैश हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने ग्रीन प्याज जिन्हें इस तरह से काट लिया था तो मैंने उसके आगे वाला भाग लिया, उसे इसमें ऐड कर देंगे। उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप पर हो तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने दही फेटी थी उसे भी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से चला लेंगे और पकने देंगे जब तक जो है इसका पानी थोड़ा सा रिड्यूस ना हो जाए। और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार, हल्का सा गर्म मसाला भी डाल देंगे और इसे पकाते रहेंगे। जब ये दही क्वांटिटी में कम हो जाएगी तो ये देखिए हमारी जो है मज़ेदार सी दही की सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसे चावल रोटी किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। अगर आपको कोई सब्जी समझ में ना आए तो एक बार इस तरह से इस सब्जी को ज़रूर ट्राई करें। तो एक बार मेरे कहने पे एक बार इस तरह से बना कर देखिए, खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।